श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने आज से यानी 1 अगस्त से सार्वजनिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध होगा। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से श्रीनगर में कोरोना केसों में तेजी से वृद्धि हो रही थी, जिसके चलते अब सख्त आदेश जारी करना मुख्य कारण माना जा रहा है। आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जैसा कि आज ईद का पर्व भी है, इसको लेकर भी जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त आदेश किए हैं। अधिक लोगों के एकत्रित होने पर सख्त मनाई है। वहीं गैर आवश्यक सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। यह आदेश CRPC की धारा 144 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कोरोना महामारी के केसों को और अधिक बढ़ावा ना हो। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने का आह्वान भी किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि यह बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। देखिए श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। देखिए, अगर इस टाइम पे हम जो ईद उल अज़हा का मौका है, बदकिस्मती का आलम है, हम पहले से ही जब आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी हुई उस टाइम पे भी बंद था, लेकिन जो अभी सूरत हाल बनी पड़ी है COVID-19 की, इस वजह से जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हिदायत दी कि आप घर में ही बैठे, तो एक हुक्म था और जो मजबूरी भी थी और अपनी जानो माल की तहफ़ के लिए भी हमें घर में बैठना पड़ा। लेकिन एट द सेम टाइम ये फीलिंग भी आ रही है कि एक कैफियत होती है मिल्लत इब्राहिम के लिए, ये एक बहुत बड़ा दिन होता है, एक चहल पहल होती है, और बदकिस्मती का आलम यह है कि इस टाइम पे हम घरों में बैठे हैं। तो इस एतबार से किसी को तो हम दोष नहीं ठहरा सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक वबा ही बीमारी है, एक इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। तो इसके लिए हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस वबा ही बीमारी से आज़ाद करे और हमारी जो ज़िंदगी के मामलात है वो फिर से बहाल हो जाए। तमाम अहली इस्लाम को ईद मुबारक करता हूँ। आज सभी मस्जिद में आज नई हुई नमाज, आज खानकाहों में भी नई हुई नमाज, और लोगों ने घरों में ही नमाज का नमाज अदा की, क्योंकि इसके हवाले से, कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट ने जो आर्डर किया है हमारे आवाम के लिए, आज घरों में ही नमाज का अदा करो, क्योंकि भी कहा है वबा की बीमारी से वजह से आज तुम लोग घरों में ही नमाज अदा करो। मैं तमाम लोगों से अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा के मौके पर हम मुबारकबाद करते, अल्लाह आप सभी को इस बीमारी से, कोरोना के बीमारी से नजात अता फरमाए और बाकी जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए। मेरा नाम अज़हर है, और जो पिछली ईद थी छोटी ईद, उस टाइम भी COVID-19 की वजह से नमाज नहीं अदा कर पाए कहीं भी, या बड़ी मस्जिद हो या हो जामिया मस्जिद हो या ईदगाह हो या एक्स्ट्रा, वहाँ पे हम ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए जो पिछली छोटी। अब जो है बड़ी ईद आई, इस टाइम भी यही हुआ COVID-19 पूरी दुनिया में। अभी पैंडमिक चल रहा है पूरी दुनिया, अभी COVID-19 के पूरी दुनिया में आग लगी है COVID-19, इसीलिए हमने आज भी आप देख सकते हो बंद है पूरा। जो मार्केट होता था गहमा गहमी होती थी बहुत, आज सब कुछ वो नहीं दिखने को मिल रहा है। सबसे यही गुजारिश रही कि COVID-19 चल रहा है, स्टे होम स्टे सेफ। मैं आवाम को अपने तहदील से ईद की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ईद मनाएं। कहते हैं इस ईद के मौके पर वादी कश्मीर के सभी आवाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। ये जो ईद है हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाए, और जो मुसीबत कोरोना में लाई है वो हम इससे पार कर सके, ऐसे भी हम प्रेयर करेंगे। जहाँ तक कोरोना के मद्देनज़र प्रेयर करने का सवाल है, मेरी सब आवाम को ये अपील है कि आप अपने घरों में जैसे अब तक कोरोना के दिनों में प्रेयर करते आ रहे हैं,
घरों में ही प्रेयर करेंगे और पब्लिक प्लेसेस पर, खास करके मसाजिद पर जाकर के जो नमाज अदा करते हैं, अदरवाइज जब कोरोना नहीं होता है तो कोरोना के चलते जो है हमें उसको अवॉइड करना पड़ रहा है, जो हम सभी लोग अवॉइड करेंगे। ऐसे में आप सबको अपील कर, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.